नमस्कार दोस्तों, गेन न्यूज में आपका स्वागत है। कहते हैं हम सब बिहार के बारे में जब सोचते हैं तब प्राच्य भारत के बौद्ध धर्म के बारे में ही सोचते हैं। बिहार में सर्वप्रथम विश्व प्रसिद्ध बौद्ध धर्म का जन्म हुआ था, जो आज एक विश्व प्रसिद्ध संप्रदाय है। बिहार शब्द का जन्म संस्कृत और पाली भाषा के बिहारा शब्द से हुआ था, जिसका अर्थ एडोबे है। आज इसी बौद्ध धरती के कुछ अनोखे बातों के बारे में चर्चा करते हैं। अहिंसा शब्द का धारणा बिहार में जन्म हुआ था। इसका जीता जागता उदाहरण है लोकनायक जयप्रकाश नारायण साहब जी। बिहार के मुंडेश्वरी मंदिर सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। यहाँ पे शिव जी के मूर्ति के चार सर होते हैं और मूर्ति आधा पुरुष और आधा नारी रूप में है। बिहार के पटना में सिखों के धर्म स्थान हरमंदिर तख्त है। यहाँ सिखों के 10वीं धर्मगुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। बिहार में महाबोधि मंदिर है, जो कि बौद्ध धर्म का गढ़ माना जाता है। पूरी विश्व में बिहारी सबसे ज़्यादा शिक्षित लोगों में गिने जाते हैं। इसका उदाहरण इनके सबसे ज़्यादा उच्च पद में नौकरी करने से लेकर जर्नलिस्ट, शिक्षक और उच्च सामाजिक पदों में देखा जाना है। दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय बिहार के पटना में स्थापित हुआ था, जिसका नाम नालंदा यूनिवर्सिटी है। बिहारी शब्द के ज़्यादा लोकप्रिय होने के कारण आज बहुत सारे हिंदी फिल्मों में इनका प्रयोग होता है। छठ पूजा, जो कि बिहार का सबसे लोकप्रिय उत्सव है। छठ पूजा में सूर्य देवता का और छठी मैया का पूजा होता है। पूरे देश में बहुत जगह पे इसका पालन भी होने देखा जाता है। खाने में बिहारी लोग भी खासा उत्साह दिखाते हैं। यहाँ के लोग लिट्टी चोखा और गर्मी में सत्तू के शरबत खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। आधुनिक भारत का एक उदाहरण बिहार का पटना शहर है, क्योंकि पटना का 20 किलोमीटर का वाईफाई जोन दुनिया में सबसे दीर्घ वाईफाई जोन है। बिहार का प्राच्य शहर वैशाली दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र है। इसीलिए दोस्तों हमें फक्र होना चाहिए, बिहार जैसा राज्य भारत के अंतर्भुक्त है। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।